नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्री महालक्ष्मी की बहुत बहुत शुभकामना। सभी महालक्ष्मी का आपका आशीर्वाद बना रहे। आज शुभ दिन में आप इच्छित कार्य करना अवश्य करें। जैसे कि आज शाम को संध्या के वक्त जो शुक्रवार का दिन है, एक भौतिक रूप से देखा जाता है सुख सुविधापूर्ण दिन होता है और आरामपूर्वक होता है, लग्जूरियस लाइफ होता है और मोस्ट शोक का दिन कहलाता है शुक्रवार का दिन। तो इस दिन महालक्ष्मी की वैभवता को प्राप्त करने के लिए आपको घर के अंदर आज के दिन अगर हो सके तो गाय का छेना, जो गाय का छेना होता है उसको प्रज्वलित करके उसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं। एक ये, यदि अगर स्मोक करने की परमिशन नहीं हो अदर कंट्री में जिस प्रकार के उसकी सिक्योरिटी रीजन को लेकर के, तो आप हो सके तो जो ड्राई कोकोनट होता है, डूंगी जिसको कहते हैं ड्राई कोकोनट, उसको जलाए अच्छे से और उसको प्रज्वलित करके पूरे घर में घुमाए। तत्पश्चात ये करने के बाद घर के अंदर एक संध्या के वक्त में गाय का जो घी होता है उससे दीपक को प्रज्वलित करें और शांत चित होकर के सिर्फ एक मिनट समझ के शांत होकर उस दीपक के सामने शांति से बैठ जाए। बस ऐसा करने से मन में शांति, संयम, स्थिरता, सभी प्रकार के गुणों की प्राप्ति भी होती है और सूझबूझ अच्छी रहती है प्लानिंग करने में और कुछ भी हमको जीवन के अंदर कार्य में कुशलता प्राप्ति अच्छी भी होती है और जो धन प्राप्ति के जो संयोग होते हैं वो भी जल्दी से जल्दी आ जाते हैं और जो अटके हुए काम होते बन जाते हैं, संयोग प्राप्ति अच्छी होती है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो इसमें श्रद्धा और भक्ति की परम आवश्यकता होती है। शांति और भक्ति प्रेम पूर्वक करेंगे उतना ही आपको अच्छा इसका फल मिलता भी है। जय श्री कृष्ण, हरिओम।